सारी महिमा और स्तुति और धन्यवाद तुझे देते हैं। हमारे हर गुनाह गलती को माफ कर, और हम जब तेरी उपासना करते हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ हो और इस सभा को तू ही चला, कि हम इस शब्द के आशीष हम अधिकाई से प्राप्त कर सकें, तेरे बेटे यीशु के नाम में। हाँ, हैप्पी सबत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत रखा, और आज का दिन, यह सबत का दिन, हमें अपने भवन में उपस्थित होने का अनुग्रह दिया, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। और इस अवसर और मौका के लिए जो मुझे दिया गया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम अपने स्वर्ण को झुकाएं और परमेश्वर से धन्यवाद करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम अद्भुत है, तू हमें प्यार करता है और तू हमें संभालता है। हम कमज़ोर हैं पर तू हमें संभालता है। तेरा वचन अद्भुत है, और उस तेरे वचन के जरिए से हम वो शांति, वो खुशी, वो आनंद, वो तंदुरुस्ती और वो ताकत और हिम्मत और साहस तू हमें देता है। प्रभु जी, हमें संभाले रख, कि इस जीवन यात्रा में हम तुझ में बने रहकर, तेरे कदमों में होकर चलते हुए स्वर्ग राज के नागरिक बनने के लायक बन सकें, और उस अनंत महिमा में प्रवेश हो सकेंगे। ऐसी अनुग्रह प्रदान कर, इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो मेरे साथ हो, मेरे जवान को, मेरे दिमाग को, मेरे सोचों को प्रभु जी तू अगुवाई कर, और तेरे कंट्रोल में होकर हम अपने जीवन को तुझ में होकर आगे बढ़ सकें। इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमें आशीषित कर, गुनाह गलती को माफ कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि हम शब्द लेसन में हम सीख रहे हैं, सीखते चले, और आज तेरवा शब्द है, क्रूसिबल, वो मूसा, वो पात्र जिसमें हम क्रूस की उस घटना याद को, और उस चरित्र को जो मसीहों में है, उसको अपने जीवन में अपनाते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो ये दुनिया, हम मसीही जितने विश्वासी हैं, हम जानते हैं कि यह हमारा घर नहीं। हमारा घर स्वर्ग में, हम हमारे लिए परमेश्वर ने वो घर, वो जगह बनाया है जहां हम वास करेंगे। हमारी यात्रा इस धरती पे है, और इस धरती में हम किस तरह हम यात्रा करेंगे, हमने सबत लेसन के जरिए से, उस वचन के जरिए से हम सीखते हुए आगे बढ़े, कि हम परमेश्वर के उस कदमों में होकर, उस क्रूसिबल में होकर अपनी यात्रा को, कदमों में होकर आगे बढ़ते हुए उस अनंत महिमा के उस दृश्य को, जो योहन्ना प्रकाशित वाक्य में वर्णन करता है, हम उसको देख सकेंगे। वो अनदिखी चीज को हम विश्वास करते हैं, यह अद्भुत है। आइए हम वचन में से देखेंगे, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22। उसका एक और दो, यूहन्ना को जिसको पतमोस टापू में छोड़ दिया गया था, और वो दर्शन परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूत के जरिए से
दिखाता रहा। हम अपने घरों में टीवी, एलईडी और स्क्रीन के जरिए से वो तस्वीर हम देखते हैं, और यहाँ परमेश्वर यूहन्ना को, आज की भाषा में हम बोलेंगे तो परमेश्वर वो टेलीकास्ट कर रहा था और उस बड़े पर्दे में वो चलचित्र उसको दिखा रहा था यूहन्ना को, और यूहन्ना स्वर्गदूत के जरिए से उस चित्र को देखता है, उस दर्शन को, और उसको लिखता है। कहता है, फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का शासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। संत यूहन्ना उस नज़ारा को वर्णन कर रहा है जो दिखाई देता है स्वर्गदूत यूहन्ना को, उस नए नगर यरूशलेम को जो दुल्हन के समान सजी हुई है, उस नगर के दृश्य को वर्णन कर रहा है। नगर के बीच में जीवन का वृक्ष था। उस मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर की सड़क, यहाँ पर सड़क एक वचन में प्रयोग किया गया है, सड़कें नहीं कहा है, मगर सड़क मतलब वहाँ एक ही सड़क है। या माना नहीं जा सकता कि उस नए नगर यरूशलेम में एक ही सड़क होगा, क्योंकि उसके इसमें लिखा है कि उसके 12 फाटक हैं। प्रत्येक फाटक से एक सड़क जाती होगी, 12 फाटक हैं तो। परंतु जिस सड़क की चर्चा यहाँ पर की जा रही है या दूसरी सड़कों से भिन्न होगी या मुख्य सड़क होगी, नेशनल हाईवे होगा, स्वर्गीय, यह एक ऐसा बड़ा चौक हो सकता है जहाँ पर बहुत सी मुख्य सड़कें आकर मिलती होगी। और वो जीवन की नदी, हमारे दिमाग में क्या चलता है, इस मुख्य सड़क के बीच में जीवन का एक वृक्ष लगा हुआ है और उसके दोनों ओर जीवन की नदी बहती है, और इस तरह से जीवन की नदी भी नगर के बीच में है, और इस जीवन की नदी का जो सिंचाई है परमेश्वर के सिंहासन से होता है। इस प्रकार से दिमाग हमारा चित्र बनाता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है, नगर के बीचों बीच एक ऊंचाई पर परमेश्वर का महिमामय सिंहासन है। उस सिंहासन के नीचे से जीवन की एक सिंहासन से जीवन की नदी एक निकल रही है। जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर मेमने के सिंहासन से निकल कर बहती है सड़क के बीचों बीच से। जीवन की नदी निकलकर मुख्य सड़क के बीचों बीच बह रही है, और नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर जीवन के वृक्ष बह रही है, बीचों बीच बह रही है, और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष अपनी अपनी बड़ी बड़ी डालियों द्वारा एक अनोखा सा दृश्य नजर आ रहा है। यह नदी बीचों बीच बह रही है, और यह सड़कें कितनी चौड़ी हो सकती है इसका कोई निर्धारित नाप नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य 21 में कहता है, वह नगर वर्गाकार स्क्वायर टाइप का, और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, और उसने उस गज से नगर को नापा जो 750 कोस, 2 माइल का 1 कोस, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्ग के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। ये हमारे समझ से
अद्भुत है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाएंगे हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये 750 कोस अगर निकला तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य सड़क और बड़ा चौक कैसा शानदार होगा। और यह जीवन का वृक्ष, अब जीवन का वृक्ष नदी की इस पार और उस पार कहता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जीवन का पेड़ नदी के दोनों ओर कैसे हो सकता है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही जीवन वृक्ष, एक ही वृक्ष जो जीवन का वृक्ष है उसका वर्णन करता है, लेखन करता है। और उसकी शाखाएं ऐसी फैली हो गई कि जब यूहन्ना उसे दूर से देखता है तो उसे लगता है कि नदी के दोनों ओर वह वृक्ष लगा हुआ है। और इस जीवन के वृक्ष में प्रत्येक माह में अलग अलग प्रकार के, क्या लिखा है, फल लगते हैं। और इस प्रकार से 12 माह में 12 प्रकार के फल लगते हैं। और यशया की किताब उसका 66वां अध्याय, यशया 66 उसका 23 में कहता है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, हम सबत लेशन भी पढ़ रहे थे, मैं भी इसकी चर्चा हो रही थी कि एक चांद से दूसरे चांद तक, मतलब हर महीना एक विश्राम दिन से, हिंदी ट्रांसलेशन विश्राम दिन, इंग्लिश में सब्बत डे बोलता है। इसीलिए किसी ने कहा था कि बाइबल सोसाइटी वालों ने ऐसा हिंदी का ट्रांसलेशन कर दिया है कि लोगों का दिमाग विश्राम दिन कहीं और माने लगा लेते हैं। लेकिन इंग्लिश बाइबल में सीधे सब्बत दिन कहता है, और वो सब्बत दिन ही है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक सब्बत से दूसरे सब्बत तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक महीने परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पवित्र नगर में इकट्ठे होंगे, उसकी आराधना और उपासना करेंगे और जीवन के वृक्ष से फल खाया करेंगे। और जहाँ तक उस वृक्ष की पत्तियों से चंगा होने का प्रश्न है क्योंकि उस लिखा है कि और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब यहां पर किसी के जब वहां पे पत्तियों से चंगे होने का प्रश्न आता है तो जब वहां पर कोई रोग या बीमारी होगी नहीं तो फिर किसी के चंगे होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तव में पत्तियों का उपयोग भी फलों जैसा ही किया जाएगा। पत्तियां भी फलों जैसी ही जीवनदायक होगी, वहां अनंत जीवन प्राप्त लोग बीमार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो चुने हुए होंगे, जो परमेश्वर के दृष्टि में पास हो गए होंगे, वही तो परमेश्वर के राज में आएंगे। और जब वहाँ पे आएंगे तो ना बीमारी, ना चिंता, ना फिक्र, ना कष्ट, ना दर्द, ना पीड़ा, कुछ भी नहीं। तो ये चंगाई होने की बात, वहाँ अनंत जीवन प्राप्त लोग बीमार कैसे हो सकते हैं और उन्हें बुराई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यशया की किताब यशया 33 का 24, यशया 33 का 24 उसमें कहता है, कोई निवासी वहाँ बास करने वाला ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, कोई बीमारी नहीं होगा कि हम बीमार हैं, मुझे ये दर्द है, वो पीड़ा है, ये तकलीफ है, ये समस्या है,
और जो लोग उसमें बसेंगे उनका आधर्म क्षमा किया जाएगा, उनका आधर्म उनका पाप क्षमा किया जाएगा। क्योंकि जो भी बीमारी तकलीफ समस्या हमारे जीवन में आता है ये पापमय संसार है और इस दुनिया में रहते हुए हम उसके शिकार होते हैं और इस पाप की वजह से हमारे जीवन में हमारे शरीर में वो पीड़ा वो दर्द वो गुनाह वो समस्याएँ वो कठिनाई वो बीमारी आती है। जब पाप ये आधम क्षमा हो जाएगा, क्षमा कर दी जाएगी तो और ना बीमारी और तकलीफ और समस्या की कोई सवाली नहीं पैदा होती है। प्रकाशित वाक्य 22, हम फिर वहीं पे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन 22 उसका 3, फिर श्राप ना होगा, कोई श्राप ही नहीं, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। यहाँ पर महान पिता परमेश्वर और पुत्र का संबोधन एक ही के लिए किया गया है। अब वहाँ पर कोई भी श्रापित नहीं है, वहाँ की मधुर वायु हवा जो मीठी राग उत्पन्न करेगी, मन को कितना मन भाव लगेगा, और वहाँ की दृश्य क्या सुंदर, जो दुनियाई दृश्य है सुंदर है उससे अद्भुत। पहली बार काफ़ी एक बार मौका मिला था हमें शिमला जाने का, तो शिमला से ऊपर एक जगह है कुफरी, हम दिसंबर के मौसम में गए थे, तो अभी तो वहाँ पे बहुत सारे होटल वोटल वगैरह बन गए, उसमें कुछ नहीं था, पहाड़ था, और पहली बार मैंने देखा बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ वाइट एकदम सफेद, इतना सफेद, मैंने हम पढ़ते थे कि वाइट एज स्नो, तो वो पढ़ने से, लेकिन वहाँ देख के समझ में आया कि एज वाइट एज स्नो, वहाँ क्या सुंदर देख के आहा। वो दूसरा पहाड़, उसके बाद अगला पहाड़, फिर उसका पहाड़ सफेद ही सफेद पूरा पहाड़। और जब हम वहाँ पे चलने लगे पहाड़ में तो पसीना आ गया, बर्फ में पसीना, और लोग वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक वो बिक रहे थे, तो इतना ठंड में कौन पानी पिएगा, लेकिन वहाँ चलते हुए वो ललक से पैदा हुए कि वो उस ठंडा पी ले। इतना सुंदर सुहाना है इस धरती में, इतना सुंदर सुहाना दृश्य, क्या बात है, तो वहाँ कैसा होगा स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 4 कहता है, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथे पर लिखा होगा, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। ये उस बात को प्रूव करता है जो यीशु मसीह ने कहा था अपने पहाड़ी उपदेश में, मत्ती की किताब 8, हम सबको शायद कंठस्थ भी याद होगा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। फिर कहता है प्रकाशित वाक्य 22 उसका 5 और 7, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उज्जाले का कोई प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उज्जाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास की योग्य है और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, परमेश्वर कैसा है, भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, होने वाली बातों का परमेश्वर ने पहले बता दिया, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र बहुत जल्द पूरा होना अवश्य है दिखाए,
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें मानता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की किताब, इस प्रकाशित वाक्य और जितनी पूर्व बाइबल में जो चर्चा दी गई है, दानियल की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब जो भविष्यवाणी कर दी गई है वो पर एक बार फिर दोहराया जा रहा है कि वहां नगर में रात नहीं होगी, सूर्य चांद तो कुछ नहीं होगा, तारे सब आकाश मंडल के सारी शक्तियां सारी हिला दी जाएंगी और स्वर्ग राज में, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां पर ज्योतिर्मय होगा, खुद उसके चेहरे से नूर नजर आएगा। हम यहाँ गाते हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, वो ज्योति में चलूँगा, जिसके द्वारा यह प्रकाशित वाक्य प्रकाशमान हुआ है। मसीह स्वयं उस आश्वासन को, उस होप को, उस आशा को, उस प्रतिज्ञा को जो प्राचीन काल से मनुष्यों की धन्य आशा रही है, जो हमारा विश्वास है, जिसको परमेश्वर ने विश्वास के जरिए से हमें दिया है, दोहराता है, कहता है, देख देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 8 और 12, मैं वही योना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई वैश्वताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। एक पास्टर बता रहा था, पास्टर थॉमस, वहाँ मैं जहाँ पे था वहाँ की याद आ जाती है, तो वो चर्चा में आ जाता है। वो बता रहा था अपने सरमन में, जब वो दुआ कर रहा था तो उसके कमरे में एकदम उजाला भर गया, तो उसने देखा ये उजाला भर गया स्वर्गदूत, वो उसने दंडवत करने के लिए जैसे गिर झुका और वो उजाला खत्म हो गया। जब सिर उठा के देखो तो काला काला पूरा, वो कौन था, काला भूत सामने आ गया। मगर यहाँ परमेश्वर, इसलिए शैतान भी अपना रूप स्वर्गदूतों की सी जैसा अपना रूप बना लेता है, क्योंकि वो भी स्वर्गदूत था। इसलिए वचन ही हमें सिखाती है कि ये जो अगला शख्स जो कह रहा है, अगला शख्स जो मुझे उपदेश दे रहा है, वचन के बारे में बात कर रहा है, वो क्या वो सही है या नहीं, ये वचन हमें बताए। अगर वचन के साथ, वचन से मेल खाता है, तो ये वचन परमेश्वर की आवाज़ है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए और हमें चाहिए कि हम वचन को अध्ययन करते रहें और वचन हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, आत्मा हमें परख की आत्मा देगा और हम अगले शख्स को जो सामने है हम उसको परख सकेंगे। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरा भाई वैश्वताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूँ। वो यूहन्ना को जो स्वर्गदूत दिखाई दे रहा था, वो जो बता रहा था, उसने स्वर्गदूत को देख के उसको दंडवत करने के लिए सिर झुकाया, पर उसने कहा, देख मैं
भी तेरा संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भिजवाने की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है अधर्म का काम करता है, जो नेस्टी है, जो फिल्दी है, वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाए, हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को परमेश्वर की तरफ ले आएं, हम अपने काम जो बीच जीवन में हमने किए हैं उसे फिरेंगे, कोई बात नहीं, हम अपने आप को तब तक सुधार लेंगे, कर लेंगे। नहीं, अनुग्रह का दरवाज़ा जब बंद हो जाएगा तब सब कुछ बंद हो जाएगा, तो मलिन मलिन ही बना रहे। लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यह वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कहता है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और ये समय और ये हालात, ये घटनाएं, ये सब हमें संकेत दे रही है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा वो दिखा दिया गया, और वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य स्वर्गदूतों के द्वारा ही दिया गया, और स्वर्गदूत किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा नहीं होती है, और यदि कोई आत्मा है तो वह अपने आप को आत्मा ही बतलाएगा। अगर दुष्ट आत्मा है तो वो आत्मा नहीं बताएगा, वो दुष्ट कहलाएगा, कि आत्मा तो परमेश्वर है। परंतु यहाँ पर साधारण रूप से वह कहता है कि मैं भी तेरा दास हूँ, जो स्वर्गदूत जिस प्रकार से पिछले भक्तों का रहा हूँ। संगी दास का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के काम के लिए साथ साथ काम करना, परमेश्वर के काम के लिए साथ साथ काम करना, और क्योंकि वह भी सेवक ही है, इसलिए यह उचित नहीं है कि उसका दंडवत की जाए। पास्टर्स, हमारे चर्च लीडर्स जो बड़े बड़े हैं, वो परमेश्वर के सेवक हैं, वो स्वर्गदूतों के समान हैं, हमें आदर्शमान करना चाहिए, मगर दंडवत हम परमेश्वर को करते हैं। लिखा है, तेरे भाइयों, तेरे भाइयों का मतलब यह हुआ कि वह भी उसी स्तर का सेवक है, उसी स्नर्ड का सेवक है, जिस स्नर्ड के परमेश्वर के दूसरे सेवक हैं, क्योंकि लिखा है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके द्वारा उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यह 6 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, यह बातें विश्वास योग्य और सत्य है, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है।
आठ में बोलता है, मैं वही योहन्ना हूँ जो बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर, तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का, तेरे भाइयों का मतलब ये हुआ कि वह उसी स्तर का सेवक है जिस स्तर के परमेश्वर के दूसरे सेवक हैं। आगे योहन्ना से कहा गया कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद मत कर, मुहर मत लगा। जबकि साधारणतः लोग कहते हैं कि यह मुहर की हुई पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य आम लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरे चर्च वाले तो ये इसको पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि यह समझ से परे है। क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम उसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम दुआ के साथ परमेश्वर के साथ बैठ के जब हम उससे बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर हमें वो अगुवाई करता है। जैसे दानियल ने अपने प्रार्थना के द्वारा वो गवाही देता है कि नबूकदनेस्सर के समय उस स्वप्न को बताया था और स्वप्न का अर्थ भी बताया था। वो बुद्धि देना रहा परमेश्वर, बुद्धि देना रहा कौन है, परमेश्वर है। हम परमेश्वर का सहारा है। और योना से कहा गया कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को बंद मत कर, मुहर मत लगा। जबकि साधारणतः लोग कहते हैं कि मुहर की हुई पुस्तक है, दो में से एक बात हो सकती है, या तो योना ने आदेश का नहीं माना यानी उल्लंघन किया, या फिर इसे देखने वाले मसीही धार्मिक अगुए अपने आँखों को बंद कर लिए हैं। आगे कहता है, समय निकट है, परीक्षा काल का समय, दया और अनुग्रह का समय समाप्त हो रहा है। इससे पहले कि मसीह का दूसरा आगमन हो सके कि हमारे नियत का, हमारे सोचों का, हमारे काम का फैसला हो जाएगा कि हमें उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। बारह में फिर कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, समय निकट है, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी वो जैसे हम ABCD EFGHIJKLMN करते थे, तो वो हम खेलते थे तो वो हमें भी सिखाया करते थे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा यट्टा थट्टा ऐसा करके। तो ये ग्रीक के वर्ड्स हैं, तो अल्फा पहला, इंग्लिश में कहेंगे ए, और ओमेगा जो लास्ट है वो जेड। अरे इसको तो ए टू जेड नहीं आता है, मुझे तो ए टू जेड आता है, कहने का मतलब शुरू से लेकर अंत तक आता है। परमेश्वर आरंभ है, शुरू है और अंत भी वही है, अल्फा और ओमेगा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अनुग्रह के दरवाजे बंद हो जाए, हर एक के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल मसीह के साथ है, या एक और सबूत है कि उसके बाद अनुग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मध्यस्थता का कार्य संपन्न हो चुका। मसीह यीशु मसीह जो हमारा मीडिएटर है, जो परमेश्वर होकर भी इस धरती पर आया, हमारे बीच आया, मनुष्य बन गया, और फिर वो हमारे लिए बलिदान होकर स्वर्ग उठा लिया गया, और पिता के पास जाके हमारे लिए वो विनती करता है।
और एक कलिशा ऐसी है जो प्रार्थना करती है, प्रणाम मैया, प्रार्थना कर हम पापी उनके लिए। उनके हर प्रार्थना में वो वही जोड़ते हैं, उसी को रिपीट करते हैं। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, उनके चर्च में जाएंगे तो क्या डिसेंट लगता है। एक बहन बता रही थी, मैं वहाँ पढ़ रही थी तो मुझे लगता था कि यही कलीसिया जो है जहाँ पे भक्ति नजर आता है। मगर वचन क्या कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है, और जब मध्यस्थ कार्य संपन्न हो जाएगा, जो हमारे लिए परमेश्वर के साथ जो निर्णय हो रही है, न्याय हो रहा है, उसका कार्य जब संपन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अर्थात मसीह वहाँ से अपने चेयर से उठ जाएगा और निर्णय का घोषणा कर देगा, और तब सुना हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:13-14 में लिखता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मसीह अपने आप को सनातन होने का दावा पेश करता है। सनातन परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, ये लोग अभी बताते हैं सनातन धर्म है। सनातन धर्म है, परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया वो सनातन है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वही अर्थ है, वो सनातन का दावा पेश करता है। 14 में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं और उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। दूसरे हिंदी बाइबल में कहें कि लिखा हुआ है, वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगर आप किंग जेम्स वर्सन में वहाँ देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड आर दे दैट डू हिज कमांडमेंट, ब्लेसेड आर दे डू हिज कमांडमेंट, वो उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। वस्त्र धो लेते हैं कहने से हमने तो पाप स्वीकार कर लिया, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे वस्त्र साफ हो गए, उसके राज में प्रवेश करेंगे। नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, जिसने वो विधान लिख दिया शुरू में ही अपने हाथों से लिखा, क्योंकि परमेश्वर मूसा में लिखा है कि वो अपने परमेश्वर के द्वारा उनके हाथों से खोदा हुआ था उस पट्टी में, और इसी में मार खाती है सारी कलीसिया। वे संडे को पवित्र दिन मानते हैं, संडे को उस दिन ने उसको आशीष दिया, उसको पवित्र ठहराया, नहीं, वो शनिवार का दिन था, वो सब्बत दिन था, वो पवित्र दिन परमेश्वर ने बना, वो खास दिन। जैसे हम सब्बत लेसन में सुन रहे थे, क्या परमेश्वर और दिन परमेश्वर उन दुआओं को नहीं सुनता, नहीं मानता, नहीं, उस दिन को आशीष दिया। एक टीचर जो था उस बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसने 7 ग्लास रख लिया, उसमें पानी डाल दिया सबसे, देखो पानी बराबर है ना, हाँ भाग बराबर है, उसने 7वें माह में उसने नींबू निचोड़ दिया। अब ये 7ों पानी है ना, बोला हाँ पानी है, अब टेस्ट कैसा है, ये जो 7वां ग्लास है उसमें क्या है, नींबू निचोड़ा हुआ है, बाकी भी तो पानी है लेकिन उस ग्लास में नींबू निचोड़ा हुआ है। उस 7वां दिन वो आशीषित किया हुआ है, उसको पवित्र ठहराया, किसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, इसलिए 7वां दिन पवित्र है। इस पुस्तक के अंत में, पृथ्वी के अंत के समय वो या कितना उत्साहित करने वाली बात हो कि प्रभु कहता है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं वे धन्य होंगे। फिर प्रकाशित वाक्य में कहता है, कुत्ते पर कुत्ते, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है,
ठीक है, 22 और 15 और मूर्ति पूजक और हर एक का झूठ के चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और मुझ 16 कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन, आत्मा और यह कलीसिया जो उसकी आज्ञाओं को मानती है, कहती है आ, और जितने सुनने वाले भी कहें आ, जो प्यासा हो, जो परमेश्वर के जीवन के पानी का प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो दाम देकर नहीं हुआ जीवन का जल सेंत मेंत ले। 18 कहता है, मैं हर एक को इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ, गवाही देता हूँ कि यदि कोई इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। जो अपने तरीके से इन बातों में ऐड करता है, अपने मतलब के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, वो क्या है, बढ़ाता है, और जो उसको नहीं पसंद आता है उसको निकाल देता है, तो वो क्या है, घटाता है। कहता है यदि कोई इस पुस्तक भजवाने के पुस्तक के बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, और जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे यीशु, हे प्रभु यीशु, आ, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। इसी वचन के साथ आज का श्रवण में अंत करता हूँ। परमेश्वर हम सबको संभाल रखे और हम सब तैयार रहें कि हम उसके स्वर्ग राज में भागी हो सकें। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है। होने दे प्रभु जी, हम तुझमें बने रहें, हम इधर उधर ना ताकें, पर हमारी दृष्टि तुझ पर बनी रहे, और इस क्रूस से दुख को जो तूने हमारे लिए छलनी छलनी हो गया, उस पीड़ा और दर्द को हम समझ सकें कि हम उस सुंदर स्वर्ग राज के उस झलकती हुई बिलोर से झलकती हुई उस नगरी में प्रवेश कर सकें, और हम सदा सदा के लिए तुझमें वास करते हुए जुगानु जो तेरी महिमा और धन्यवाद कर सकेंगे। इस धरती में रहते हुए हम सब की अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर, और हमें संभाले रख, हर सदा ने हमें उसे बचाए रख। सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं और अपने आप को तेरे हाथ में सुन देते हैं। इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस सभा के लिए और आज के दिन के लिए फिर से अपने आप को धन्यवाद करते हैं कि तू हमें इस तरह से सींचता है, हमें संभालता है, और हमें पुष्ट रखता है। हम तुझमें बने रहें कि शैतान के हर चंगुल से बचे रहें। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आशरा तो है, मोर डहर कर दिया तो है।